अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्तांबुल अहमद यार अगेन। पहले सिस्टम इंस्टॉल किया हमने 12 किलोवाट के इन्वर्टर इस्तेमाल किए हैं सिस्टम पर हमने, और तकरीबन 19 किलोवाट के पैनल लगाए हैं इसमें। ये 6-6 किलोवाट के नेटवर्क्स हैं जो हमने साइड पर इंस्टॉल किए हैं, दो तीसरे की हमने जगह छोड़ दी है। इसे बैटरी बैंक लगाया हमने जूनी का 200 एम्पीयर का, दो बैंक लगाएँ 48 वोल्ट में, दो बैंक लगाएं इसमें 200 एम्पीयर के। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है बैटरी की, बस बार भी हमने बैटरी बैंक को कॉमन किया है और उसी से अपने ब्रेकर्स को अपने इनपुट देकर ब्रेकर से हमने इन्वर्टर बन गया। यहाँ पे एसी और डीसी हमने सेपरेट किए हैं सेट पर, तो इसलिए डीसी डीपीस को डीसी आर दिया है, एसी डीपीस को एसी आर दिया है। प्रॉपर एसपीडीज वगैरह भी इंस्टॉल किए हैं। ये हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की डीबी है। इसमें ऊपर जो लेफ्ट साइड पर लाइट्स हैं दो, एक एक इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। मेन सोलर पैनल पे मतलब मेन सोलर आउटपुट पे लगी हुई येलो लाइट, स्मार्ट लोड पे ग्रीन लाइट है, और ब्लू लाइट हमने के इलेक्ट्रिक के इनपुट पे लगाई है। इस पर के इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है तो इसलिए ये लाइट बंद है। और जो नीचे तीसरी एक अकेली लाइट लगी हुई है, ये के इलेक्ट्रिक की एब्सेंट को शो कर रही है कि जब लोड शेडिंग होगी तो ये लाइट जल जाएगी। अच्छा, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की इनर है। इसमें लेफ्ट साइड पर जो हमारी ब्रेकर्स और एसपीडीज लगी हुई हैं, डीसी एसपीडी डीसी ब्रेकर्स लगे हुए पीवी के इनपुट पे, सोलर पैनल से जो केबल्स आई हुई है उस पर। अच्छा, राइट साइड पर हमारे जो है एसी 4 पोल की स्पीड लगी हुई है, और तीनों फेजेस के लिए सेपरेट हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाई है। इसके नीचे ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगाए हमने दो, ताकि जिस फेज के भी वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हों वो आगे हमें सप्लाई दे दे सिंगल फेज में। इसमें राइट साइड वाला जो ब्रेकर है वो इलेक्ट्रिक का है, सेंटर वाला जो है हमारा स्मार्ट लोड का है, और राइट साइड वाला ब्रेकर लेफ्ट साइड वाला ब्रेकर हमारा मेन सोलर का है। इस तरह के तीन तीन ब्रेकर हमारे तीनों इन्वर्टर्स के लगे हुए हैं। तीसरा इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं है, लेकिन उसका ब्रेकर हमने इंस्टॉल कर दिए कि जैसे ही वो इंस्टॉल होगा तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तैयार है, इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें लेफ्ट साइड पे जो है वो मेन सोलर की आउटपुट है, ये तीनों ब्रेकर आउटपुट के हैं अलग अलग इन्वर्टर्स के, और फिर उसके साथ जो तीन ब्रेकर्स हैं वो हमारे स्मार्ट सोलर के आउटपुट है। अच्छा, उसके नीचे हमारी ये ओवीआर लगी हुई है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है इन्वर्टर की इनपुट पर, ये इलेक्ट्रिक जो आ रही है जो सिंगल फेज इनपुट आएगी तीनों इन्वर्टर्स के लिए, उनके लिए तीनों के लिए अलग अलग लगी हुई है। ये फिर आगे सप्लाई दे रहा है ब्रेकर को, ब्रेकर के साथ हमारी 2 पोल की स्पीड लगी हुई है एसी, जिससे होती भी हमारे इन्वर्टर को सप्लाई जाएगी। इस पर दो चेंज ओवर लगाए हमने, स्मार्ट लोड के लिए अलग लगाया है और मेन लोड के लिए अलग हमने लगाई है। और थ्री फेज की वायरिंग हुई भी है घर पे, तो थ्री फेज के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चेंज ओवर लगाए, दो चेंज ओवर हमने लगाए हैं। एक चेंज ओवर जो है हमारा मेन सोलर आउटपुट और इलेक्ट्रिक का है, सेकंड चेंज ओवर हमारा इस चेंज ओवर के आउटपुट, और नीचे जो है हमारा जनरेटर है। ऊपर हमने मेन ब्रेकर्स लगा दिए हैं 4 पोल के, एक हमारी सोलर के आउटपुट है, एक हमारी इलेक्ट्रिक इनपुट है। इसके साथ दो डीबीज हैं छोटी, वो हमारी अर्थिंग की डीबीज हैं, ये हमारी डीसी अर्थिंग है, ये हमारी एसी अर्थिंग की डीबी है। अच्छा, साइड पर हमने दो सेपरेट अर्थिंग किए हैं, ये हमारी एक एसी की अर्थिंग हो जाएगी, और यहाँ पे हमने दूसरी अर्थिंग की है, यहाँ पर ये हमारी सेकेंड अर्थ हो जाएगा हमारा। एसी और डीसी को हम डिवाइड कर देंगे इसमें। अच्छा, ये हमारा आयरन स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है, ये टोटल हमने 40 पैनल के लिए बनाया है। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।